नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 18 है। प्रोजेक्ट 18 में इंडियन नेवी के लिए इंडिजीनियसली क्लास 18 डिस्ट्रॉयर या वारशिप को बनाया जाएगा और इसके डिज़ाइन को स्टेल्थी बनाया जाएगा, जिस वजह से इसे स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस पूरे वारशिप के बारे में, साथ में जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के डिस्ट्रॉयर को क्यों बनाया जा रहा है और अभी इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना समय लगने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रॉयर फ्लीट मौजूद है। स्पेशली अगर चाइना के टाइप 55 डिस्ट्रॉयर की बात करें तो यह लगभग 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला वेसल है, और इसके साथ अगर हम इंडियन नेवी की सबसे बड़ी विशाखापट्टनम क्लास वेसल को कंपेयर करें तो उनकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 8,200 टन की है, जिस वजह से चाइनीज वेसल काफ़ी ज़्यादा वेपन्स को कैरी कर सकते हैं और फायर पावर के मामले में इंडियन नेवी का कोई भी वेसल चाइना के टाइप 55 क्लास वेसल को मैच नहीं कर सकता, और चाइना आगे चल के ऐसे कम से कम 18 वार्षिक को बनाने की कोशिश कर रहा है, और यही बात इंडियन नेवी को भी परेशान कर रही है। इंडियन ओशन में चीन के बढ़ते नौसैनिक ताकत को काउंटर करने के लिए इंडिया के तरफ से टाइप 55 वेसल को मैच करने वाले वेसल को बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसे प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर का नाम दिया गया है। वहीं इस वेसल को मझगांव डॉक लिमिटेड और LNT मिलकर बनाने वाली है, और भारत के तरफ से ऐसे 6 वेसल को बनाने का प्लान किया जा रहा है। कॉस्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 50,000 करोड़ का है, और ये वेसल चाइना के टाइप 55 क्लास डिस्ट्रॉयर को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ने वाला है। अगर प्रोजेक्ट क्लास 18 डिस्ट्रॉयर के फीचर्स की बात करें तो इस वार्षिक में बहुत से एडवांस सिस्टम को लगाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स, लेजर बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम, एडवांस AESA एंड PESA रडार्स, एक्टिव एंड पैसिव एरे सोनार शामिल हैं। ऐसे एडवांस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावर की जरूरत होगी, और ऐसे में एक पावरफुल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन IET गैस टरबाइन इंजन को इसमें लगाया जाएगा। इसमें लगने वाले गैस टरबाइन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट में लगने वाले इंजन जैसे ही हैं। DRDO और LNT मिलकर इसके गैस टरबाइन को डिज़ाइन कर रहे हैं, और जो कि 36 मेगावाट पावर को जनरेट करेगा। इसमें 2 गैस टरबाइन इंजन, 2 10 मेगावाट के डीजल बैकअप जनरेटर, 2 20 मेगावाट के इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन मोटर को लगाया जाएगा। रडार की बात करें तो इसमें AESA PESA रडार के एक्सटेंडेड रेंज वाले रडार को लगाया जाएगा, जिसके ऊपर DRDO भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ मिलकर इसे डेवलप कर रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि इसे AESA और PESA रडार को मिलाकर एक सिंगल यूनिट की तरह डेवलप किया जाए। इसी के साथ एक्स बैंड ऑप्टोनिक्स मास डिटेक्टर रडार को भी इसमें लगाया जाएगा, जिसका मुख्य काम मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट करना होगा। अगर प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन का होने वाला है। इस बैटलशिप में 400 क्रू मेंबर्स को कैरी करने की कैपेसिटी होगी। स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर का होने वाला है। ये डिस्ट्रॉयर पर एक हेलीपैड भी दिया जाएगा, और यहाँ से एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर के आर्मामेंट्स की बात करें तो ये बैटलशिप सक्षम होगा बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 को लॉन्च करने में। अभी इसके हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च सिस्टम पर काम चल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के HSTD को भी लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होगी। बाकी वेपन सिस्टम की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन इसमें लगाया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करके किसी भी हवाई खतरे को रोकने में सक्षम होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का सपोर्ट करेगा लेजर बेस्ड CIWS। लेजर बेस्ड CIWS किसी भी इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए काम आएगा। जैसे ही कोई मिसाइल वारशिप को टारगेट करता है तो उस मिसाइल को लेजर बेस्ड CIWS की मदद से सर्टेन रेंज के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर बहुत ही एडवांस बैटलशिप होने वाला है, और इसका इंटीग्रेशन इंडियन नेवी में 2028 तक हो जाएगा। अभी के समय में इसके रडार, वेपन सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम पर काम चल रहा है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।